They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Good morning ladies and gentlemen, boys and girls, good morning. तो हम लोग आ गए चेन्नई एयरपोर्ट और इसके बाद हम लोगों को बनारस ले ओवर है, सॉरी कोलकाता में ले ओवर है, उसके बाद हम लोगों को निकलना है बनारस। बट ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया। कॉफ़ी ले लूँ फिर बताता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। ये वीडियो बनाने के पीछे ना ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है एंड दैट इज़ कि आप जो हमारे साथ हुआ ना वो आपके साथ ना हो जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो। तो अब हुआ क्या ये आपको डिटेल में सुनना पड़ेगा, इसलिए पूरे ब्लॉग को ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी आवाज़ अभी मैं धीरे बोल रहा हूँ बट मैं ट्राई करूँगा सॉफ्टवेयर पर आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाने की। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, हम लोग जब चेन्नई से निकल रहे थे तो आपको दिखा था हमने ट्रैवलर बुक कर दी एंड हम लोग थे 12 लोग और 12 लोगों के हिसाब से हम लोगों ने 86,000 में ट्रैवलर करनी थी। और हमारा ट्रिप स्टार्ट होती थी हो रही थी चेन्नई से, चेन्नई के बाद महाबलीपुरम जाना था, मतलब वही चेन्नई में ही है वो, वहाँ से फिर हमें नेवेली जाना था, फिर ऐसे ऐसे करते करके हमारा 10 एक डेस्टिनेशन थे। पूरी आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ जहाँ हम गए थे। तो हुआ क्या कि हमें एक ब्रोकर मिला जो ओनर बन के मिला, ठीक है। अब उसने बोला कि मैं गाड़ी करके दूंगा और सारी डील हुई जिसमें उसने 86,000 टोटल बोला जिसमें रनिंग था 2,500 किलोमीटर रनिंग था। एक्स्ट्रा उसका कहना था कि अगर आप 2,500 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो 22 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड हो जाएगा। तो हम लोगों ने एग्री कर लिया, ठीक है। मैंने भी देखा तो इतना हमारा 2,500 हो नहीं रहा था तो हमें लगा ठीक है फाइन ओके। और डील ये थी कि अभी स्टार्टिंग जैसे ही होगी ट्रिप की तो आप 40,000 रुपये दोगे, फिर कन्याकुमारी पहुँच कर आप हमें 30,000 दोगे एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट जब आप वापस चेन्नई आ जाओगे तो दोगे। हम ये सारी डिटेल डील हो गई और एक पेपर पे, अब अच्छा उसने क्या किया ब्रोकर ने भरोसा जीतने के लिए एक नोट पैड पर सारा डिटेल लिखा गोला गोला बना के और साइन कर दिया। तो अब हम निकले, हमने 40,000 रुपये दे दिया। तो हम जैसे ही चेन्नई पहुँचे, चेन्नई तो हमारा पहला किया था मरीना बीच गए और उसके बाद हमें जाना था महाबलीपुरम। इतने में हम बच चुके थे 4, तो ड्राइवर ने बोला कि 5 बजे बंद हो जाता है। तो हम उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार अब लंबा जर्नी है तो आगे चलेंगे, लौट जाएंगे, देखेंगे, हम आगे निकल गए। सो ऑन बाकी का ब्लॉग में आपने देखा ही है। हम सारा ट्रिप कर ही रहे थे कि कन्याकुमारी पहुँचे तो ड्राइवर मेरे से बोलता है कि 36,000 आप मुझे अभी दे दो। तो हमने कहा यार 36 नहीं 30,000 की बात थी, बोला नहीं 36,000 अभी दे दो। और जो भी 86,000 का जो पैकेज था ना उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड थी, पार्किंग, टोल, ड्राइवर का फूड एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग की बातें हो चुकी थी, बस हमें कैश 86,000 देना था। हमने दे दिया उसको कन्याकुमारी में कि चलो ठीक है यार 36,000 रख ले भाई तू। अब फिर हम आगे निकले, ऊटी पहुँचे तो उसने मेरे को बोला ड्राइवर ने कि जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो मुझे देना, ब्रोकर को मत देना। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें देना भाई, हमें क्या, हमें इधर दें हम उधर दें, किसी को भी दें क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम ऊटी से निकल के जैसे ही हम, और ऊटी से निकलने के बाद हम लोगों को जाना था महालक्ष्मी गोल्डन टेम्पल के बाद वो मेरे को बोलता है जैसे ही हम लोग तिरुपति बालाजी पहुँचे रात में तो वो मेरे को बोलता है कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप मुझे दे दो। तो मैंने बोला भाई हमें तो ये अमाउंट वहाँ देना था, चेन्नई रिटर्न होने पे देना था। तो बोला नहीं गाड़ी में डीजल नहीं है हमें दे दो। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार मेरा झगड़ा हो गया, मैंने बोला यार ये क्या बात हुई। अब भाई आप ही बताओ जो बात हुई उस पर चलेंगे ना, अब हम दे दें तुम्हें पूरा अमाउंट, तुम भग लो इधर से हमें यहाँ छोड़ के, हम क्या करेंगे बीच में। और चला लैंग्वेज बैरियर इतना, अब वो क्या करता था जब मैंने बोला अपने ब्रोकर से बात कराओ तो वो पहले अपने ब्रोकर से अपनी लैंग्वेज में बात कर लेता था और फिर जब मैं लगा अपनी हिंदी में बात करता तो जानबूझ कैसे टप 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 मतलब हो रहा ना कि हिंदी और अपनी लैंग्वेज मिक्स कर करके तो कुछ समझ में ही ना आए। तो मेरे को हंसी इसलिए आ रही क्योंकि उस टाइम पर ना एकदम बहुत गुस्सा आया था मेरे को, अब मुझे खैर सोच के हंसी आती। हमने वो दिया नहीं और हमने बोला नहीं दी, अब वो ड्राइवर हमसे लड़ने लगा, लड़ाई हो गई हमारी। और लड़ाई होते होते इतनी बात बढ़ गई कि मैंने ड्राइवर को तुम जाओ क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसमें हम गाड़ी कर लेंगे, क्योंकि तुम जाओ हम दे देंगे। भाई आप सोचो तिरुपति बालाजी में हम रात में पहुँचे हैं, सुबह करीबन 12 बजे थे,
आई गेस। और सुबह हमें 4 बजे फिर निकलना है और लाइन में लगना है, क्योंकि लंबी लाइन लगती है और मतलब 8-9 घंटे की लाइन लगती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, पूरा गुस्सा आया मेरे को, मेरी लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली मान दूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ, वो भी लड़ने लगा, ब्रोकर से बात हो रही है। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा वो अब यहाँ पर इज ऑन दिस पोजीशन, तिरुपति बालाजी ऑन दिस पोजीशन। मुझे पता चला कि वो बंदा जो हमें वहाँ मिला था वो ब्रोकर था, ओनर नहीं था, वो हमें ओनर बन के मिला था। तो क्योंकि जब मैंने इससे बोला कि वो बंदे से बात हुई तो बोलता है ही इज़ अ ब्रोकर। तो मैंने बोला तो वो इज़ ओनर, तो बोलता ओनर दूसरा है। तो मैंने कहा बात कराओ, तो बोला नहीं ओनर से बात नहीं कराऊंगा, ओनर का नंबर नहीं लूँगा, ब्रोकर से बात करो। मैंने कहा यार ये क्या बात हुआ, ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि उसने एक और टंटा लगा दिया। अब वो टंटा क्या था कि हमारी ट्रिप 8 तारीख से शुरू हुई थी, 8 तारीख को दोपहर के 3 बजे से। एंड ही सेड कि 10 दिन वहाँ पर ये बात हुई थी कि 18 को जब आप रिटर्न हो गए ना तो आपको 18 को हम यहाँ छोड़ देंगे और 19 को फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट भी छोड़ देंगे। और ये पूरा पैकेज के अंदर था 10 दिन का, ठीक है। जैसे हम तिरुपति बालाजी ऑन 16 की नाइट में पहुँचे, मतलब 12 के बाद बच चुके थे, 17 लग चुका था। उसने बोला कि जैसे ही रात के 17 के 12 AM होंगे, मतलब 17 का जो रात में 12 बजेगा, मतलब 11 के बाद 12 AM लग जाता ना 17 को, तो आपका 10 दिन का पैकेज ख़त्म, उसके बाद 8,000 और ऐड जाएगा। भाई कसम से आई स्वेयर, इतना गुस्सा आया ना मेरे को उस टाइम पे, इतना गुस्सा आया ना। मैंने कहा ये क्या है भाई, तुम्हारी पूरी हमारी बात हो चुकी है, हम भरोसे पे यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ फैमिली है, ये क्या बात हुई यार, बीच में अटका दिया तुमने। अच्छा ये बात हुई, अब इसके बाद क्या यार कसम से, अब तो उस टाइम पर इतनी भैंसबाजी हो गई थी ना। वो पैसे भी मांग रहा है 17 तारीख को रात में 12 बजे, उसका पैकेज भी फिनिश हो जाएगा, ये सारी बातें हो रही थी। अभी टाइम है 8 बजे की मैं फ्लाइट, तो ये सारी पैकेज भी ख़त्म हो जाएगा, 8,000 रुपये भी तुम जोड़ लोगे। क्योंकि वो जान रहा था कि तिरुपति बालाजी में ये 10-11 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलने वाले, तो उसने नया ऐड ऑन कर लिया था अपनी तरफ से। अब ऐड ऑन तो कर लिया था, किस्मत हमारी अच्छी रही कि हम जैसे ही अंदर गए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम करीबन 2-3 के आसपास बाहर आ गए ऑन दैट टाइम। जैसे ही हम बाहर आए तो वो सो रहा था, मैंने विंडो नॉक किया ना, तो वो देख के ना शॉक हो गया कि इतनी जल्दी वापस कैसे आओ। हमारे को कहते हैं ना कि जब भगवान साथ में है तो क्या ही दिक्कत होगी। जैसे बालाजी चाह रहे थे कि आप लोग के साथ दिक्कत नहीं होगी, इतनी मेहनत करिए, तो ना जैसे आप जानते हो मेरी मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने वगैरह में। हम वापस आए और जैसे ही हम आए वो देखकर शॉक, और वो बंदा कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम लोग वापस आए, अपना होटल से सामान उठाया, हमने बोला तुरंत निकलेंगे, तुरंत निकले और रात को 8 बजे यहाँ चेन्नई आ गए। मतलब वो 8,000 हमारा बच गया। अच्छा उस टाइम पे रात में जब झगड़ा हो रहा था तो फिर देना पड़ा हमें लगभग 8,000 रुपये हमने दिया था, और कुछ रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमने यहाँ दिया था चेन्नई में, वो अंकल जी ने दिया था, तिवारी अंकल जी ने। तो ये सारा चीज़ हुआ था। तो मोस्ट ओवर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो हमारे साथ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं बोल रहा, मेरा काम नहीं है ये करना, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि इन फ्यूचर कभी आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं हो। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बेस्ट क्या है ना, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में बुकिंग करो। सबसे बेस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे और इसमें मतलब प्रिंटआउट्स वगैरह होंगे, ये कॉपी में लिख के साइन में अंदर गए, बस भरोसा जीतने वाली हरकतें हैं, इसमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन नहीं, तो आप चेन्नई में किसी जान पहचान वाले से कराओ, अगर जान पहचान भी नहीं तो चेन्नई में डायरेक्ट किसी ट्रैवल एजेंसी ओनर से बात करो, ओनर मतलब ओनर से बात करो। ओनर से बात करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा। ये ब्रोकर वोकर की वजह से ना सारा काम खराब हो जाता है। अब हम जैसे चेन्नई रिटर्न हुए ना, तो सोचो इतना बड़ा वाला है वो ब्रोकर, तो उसने पता लगा लिया कि हम वापस आ रहे हैं और उसने हमारे लिए होटल बुक कर लिया। जैसे हम उस होटल में पहुँचे तो बोला 2,000 रुपये पर रूम। रूम देखकर इतना घटिया रूम, मेरा दिमाग खराब होने का, यार तुम क्यों पीछे पड़े हो भाई, तुम हमारे ट्रेवल एजेंट हो ही नहीं, हमने बस वहाँ पर तुमसे गाड़ी बस ली, तुम तो ज़्यादा पीछे पड़ गए। एक जगह हम गए लॉज में, तो पहले वो हमें रूम दिखा रहा था, जैसे उसने ब्रोकर देख लिया कि ब्रोकर है तो सीधे बोला हम आपको रूम नहीं देंगे, साफ मना कर दिया उसने। ब्रोकर वोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को। आप लोग कभी भी, मतलब मैं तो सिर्फ चेन्नई की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कभी भी जाओ ना, ट्रैवल एजेंसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते जाओ, कभी भी बीच के रास्ते में नहीं। ये तो हमें ऐसी होटल में बात चल रही थी और सडनली मिल गया, तो जनहित में जा रही
सेफ रहो, बढ़िया रहो, सुरक्षित रहो। अब हम लोग आगे क्यों निकलेंगे? 8 बजे में, 8 बजे में फ्लाइट है, हम कोलकाता में ले ओवर है 3.5 घंटे का। फिर उसके बाद बनारस, बनारस से घर, और फिर कल मुझे अपने घर निकलना है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बट ऐसी चीज़ों से बचना है ना, तो आपको समझना है ना, डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट करो, या फिर आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कर लो, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। और उससे भी बेस्ट क्या रहेगा पता है? इतनी बड़ी गाड़ी का अगर आप लोग 2 लोग 3 लोग ही हो तो ऐसे गाड़ी करने का ज़रूरत ही नहीं है। इतना आजकल अवेलेबल हो जाती है ना चीज़ें, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ना, कितना झंझट ही नहीं होगा। बट फिर भी सेफ साइड संभल के। Whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. This is for your and your fellow passengers. So हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता। वो देखो विस्तारा एयरलाइंस, सुना है बड़ी लग रही है, देखते हैं पता चलेगा। अब हमें 3 घंटे में वेट करना है, और तो वेट जाकर गेट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। तो फिर से हमें पूरा सिक्योरिटी चेक इन वहाँ निकालना पड़ेगा, फिर से सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ेगा, सेम प्रोसेस अगेन। फिर आराम से बैठो, फिर बैठो, वेट करो, और कुछ नहीं कर सकते, और ढूंढना पड़ेगा यार। क्या बोला उसने? सीधा यार, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, अब हमें गेट नंबर 23 में घर से जाना है। फिर 3-3.5 घंटे बैठ के बोर होना है, फिर और कुछ काम नहीं है, हो जाए फिर चलते हैं। Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that... मैं 3-4 बार ब्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर चुका हूँ, अभी भी 95% पे अभी भी रुका हुआ है यार। देखते हैं हो जाए तो अच्छा है, तब तक वेट ही करते हैं, 1:30 बजे फ्लाइट है। हमारा बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया है, अब हम निकलते हैं वाराणसी के लिए, वहाँ से सीधे घर, और फिर उसके बाद आगे का ट्रिप। बेसिकली ये वाला ब्लॉग बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि जो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस चीज़ से बचो, ऐसे ट्रैवल एजेंट एजेंट और ब्रोकर से बचो, मतलब ट्रैवल एजेंट ठीक है, ब्रोकर से बचो, बेसिकली यही था। एनीवेज आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।